एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं कहीं, और अगर आपको जानना है तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहना। और सबसे पहले मैं जा रही हूँ मनीष के घर, तो लेट्स गो। मैं पहुँच चुकी हूँ इस राक्षस के घर, और ये राक्षस कर रहे हैं जाने की तैयारियाँ। ये लोग कपड़े निकाल रहे हैं, शर्ट निकाल रहे हैं, देखो, और कुछ मेकअप मेकअप है मेरे लिए भी बुला लो ना एक पार्लर वाले। तू निकाल क्या कह रहा है भाई? कर क्या रहा तू? ये अपनी पुच्चू को मैसेज कर रहा। ये दे, इसका पुच्चू का मैसेज आ। तो हम सुबह से वेट कर रहे हैं कि फोटोशूट स्टार्ट होगा, पर जिनका है वो तो अभी तक सोए पड़े हैं, और जो मैडम है वो अभी तक आई नहीं है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का। और भाई साहब अपने पुच्चू को मैसेज कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या बात होती है। बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं मैसेज में अपनी। यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें 6 बजे बुला के 7 बजा दिए हैं, और खुद अखबार पढ़ रहे हैं, मतलब। और अब बोल रहे हैं कि जिंदगी में पता नहीं क्या होगा। जिसे एक घंटे की कीमत पता नहीं है, तुझे क्या घंटा पता है? अरे यार। और चले भाई शादी करने हैं, और हम रील्स देख के टाइम पास कर रहे हैं। यही तो हद है यार। आने तो मौका सबका आता है। हाँ, पर अभी तो हर कुत्ते का दिन आता है, और इसका जाने वाला है। तो गाइस ये देखो, सब सामान पैक हो गया है यहाँ से लेके ये सारा। और वो काम वाली बाई थोड़ा बर्तन धो रही थी, और हम बोर हो चुके हैं क्योंकि हमारे 8 घर पे ही बजने वाले हैं। बेटा 7:30 हो गए भाई, 1.5 घंटे की नींद खराब करी है तुम लोगों ने मारी। फिर शिकन आप देख सकते हैं कि किस लगा रही है, चिंता में है, परेशान है, इसकी आज़ादी छिनने वाली है। अभी ये बीवी भक्त होने वाला है, अभी बीवी भक्त होने वाला है, अभी तक गर्लफ्रेंड भक्त था। और जब पुच्चू आएगी तो पुच्चू की एंट्री आपको दिखाई जाएगी, यही आएगी वो। आगे भाई साहब, ये रे मोस्ट वांटेड लोग। बाय 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 बाय। तुम लोग मुझे ऐसे नीचा दिखाओगे कि हम सब सो गए हैं? सो गए भाई, हम 6 बजे के बैठे हैं। क्या करता है ये? गाइस ये देखो, लव मैरिज के साइड इफेक्ट्स। क्या करता है? मुझे सुबह से वो बोल रहा है कि कुर्ती पहन लियो। अब मैंने इसको कल मुझे बोल रहा था मेरे सामने, तो अब मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि देखेंगे क्या देख, क्या आप मुझे बोलते थे कि सुबह आपने, और तू हाँ देख आपने, और ये तू नहीं, मैंने आपने, और तू सही जा रहा है। अब तुम हाल तू में सही है, फेंक दे वो फीका बेचारा। तो चल भाई, भाई कोई नहीं, तो ऐसा बॉक्सर उठा ले वहां से, बस बॉर्डर उठ गया। छोड़ उसकी भी क्या जरूरत है, पत्ते तोड़ लेंगे रास्ते से, मोगली शूट कर लेंगे। तो चलो फाइनली ये लोग आ गए और हम जा रहे हैं। ये लेट्स गो। कहां जा रही श्रुति? प्री वेडिंग पे। सबको मत डालना यार। गाइस हम बीच रोड पे खड़े हैं क्योंकि इधर चल रहा है शूट, इधर चल रहा है, ठीक है, और हम लोग कर रहे हैं अपना अपना शूट। और ये भी डाल रहा है स्टेटस, अब चलेंगे हम वहाँ पे, थोड़ा सा रोड क्रॉस कर लेते हैं, मैं भी अपना शूट करवा लेती हूँ। आजा भाई, इससे बैठूंगी ना, इससे बैठ के करवाऊंगी शूट। आजा दे, और ये आई हमारी फोटो। ओ माय गॉड, तो ये पोस्ट कर लेंगे हम। चल माता को प्रणाम, आज वीडियो बनाएंगे। आज ये देखो रिजल्ट्स, और भी दिखाई इधर उधर आगे कर। ये तो इसकी है, ये सही है ना? हाँ ये अच्छी है भाई, अच्छी आ रही है ये वाली, अच्छी है। हाँ तो गाइज हम फिर से रुक गए हैं।
हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। चलो भाई, यहाँ का तो व्यू हो रहा है बहुत अच्छा है ना। चलो, कुछ कहना चाहेंगे अपने लिए? नहीं। चलो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, चलिए अंदर चलते हैं, खाते हैं कुछ। चलो भाई चलो। ये देखिए, ये ब्राइडल मेकअप होते हैं, लड़की तैयार हो रही है शूट के लिए, हो रही है ना। शूट कराएंगे इनका। पहले क्या खाएंगे बताओ अपने मुंह से, क्या खाओगे? मोमोज नहीं बेटा, पराठे। मोमो वाली बहू, देखो मोमो वाली बहू। मुझे याद है, पता है सच में, अब मुझे भी याद पड़ेगी शूट में ये संघर्ष हमें करने पड़ते। भैया से पूछो कितने संघर्ष होते हैं। शुगर, आपको तैयार रहना पड़ता है, आपको खड़े खड़े कार में भी मेकअप करना पड़ सकता है, देख रहे है ना, क्योंकि कितनी जगह पेमेंट करेंगे, है ना। हजार, देख रहे हो कितनी प्रिपेयर लग रही है लड़की। वही तो, क्या लगाएगी ये वाली। वेडिंग पे लड़की को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? नहीं, और हमने अभी जाना है, और अभी हमने कपड़े डाल लेने, और उसके लिए भी हमें कोई वो नहीं जाना चेंजिंग रूम, कहीं भी खड़े जाए कोने में। ये है ठीक, ये चपरासी भी झाड़ू झूड़ भी मारेगा। बस अभी मुंह साफ करने में कपड़े से ना। उठा लो इसको, क्यों मारेगी? तो नहीं मुझे मारेगी, तू भी डरा रहा मुझे। पूछी ये है, देख बाबू, देख श्रुति पकड़ेगी, पकड़ेगी। फिर मैंने इसको छुओ ना, दूर से छुओ। तो गाइस, हमारा हो गया नाश्ता, और नाश्ते में खाए उन्होंने आलू के पराठे, जो घर से आलू के पराठे खुद खा के आई थी पहले भी। अब हम जा रहे हैं कहाँ, कहाँ जा रही बनी चम? माइंस जा रहे हैं, वहाँ से ही धक्का मारेंगे दूसरे को, कोई नीचे नीचे गिर गया तो देख लेंगे, एडजस्टमेंट चल जाएगी, एक इंसान कम हो जाएगा, फिर उसका लंच में एक इंसान का खर्चा भी कम आएगा। तो चलो चलते हैं। तो ये कैमरामैन आज तक के साथ, टीवी रिपोर्टर श्रुति श्रुति जैन। तो यहाँ का वेदर हो रहा है बहुत ही अच्छा। ये रही लोकेशन, तो भाई साइड हो जाओ, इसे बचाओ, ये नदी में डूब जाएगा। भाई तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है टाइड की दुकान, बिल्कुल सफेद चमक रहा है, सफेद ऐसे शर्ट से। भाई भैया, भाई मेरी खींच दे जरा तुम। तो ये हमारी स्ट्रिंग लाइट है, और ये ड्रोन है, मुझे नहीं पता पर इसे चलाएंगे अभी, और ये उड़ेगा। बताओ भैया, गाइस ये देखो बिल्कुल कोहरा हो गया है, और ये लोग अभी भी वहां। ये देखो बंदे कूदने को तैयार है। नहीं, अबे यार बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, और देखो पानी कितना, मतलब ऊपर से लेके कहां नीचे कहीं जा रहा होगा, हो रहा है यहां बहुत ठंडा। गाइस मुझे पकड़, मुझे पकड़, माइंड शॉट, ये बिहाइंड द सीन। गाइस ये दो बंदर बैठे हैं, गाइस ये दो बंदर, और इनमें से ये बंदरिया। हाय बोलो बंदरिया, बंदरिया से हाय। ये है नेक्स्ट लोकेशन माइंस की, और यहाँ व्यू भी बहुत अच्छा है, देखो चारों ओर कितना, मतलब फॉग भी हो रहा है, और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। और ये अपनी बहन से बात करती हूँ। भाई ये मेरी बहन है, मैं बोचो है। देख ग्रूम टू बी खींच रहा है फोटो, ग्रूम टू बी की। गाइस कितने बज गए अब? रात के 12 बज रहे हैं भाई, चल दो बज गए पता है कायदे से, ढाई बज गए बताना। और अभी तक ये क्या कर रहे हैं, लगे हैं काम पे, ये भी लगे हैं काम पे, और हम भी लगे हैं काम पे, सब भी लगे हैं काम पे, हम भी काम पे लगे हैं, और ये बेचारा लकड़ी उठा रहे हैं।
अब थक चुके देखो, hey, एक आपको हम डब्बा ला के देंगे ठीक है, आप इंतजार करो। नहीं मतलब रास्ता भी तो ऐसा सा है, आवाज मारते रुक जाते ना, आगे देख लेना तुरंत निकल जाता है क्योंकि वो बाद में घुसा लकड़ियों में तो पहले हाँ, पहले नॉर्मल था और यहाँ से गिर गया एक ड्रोन नीचे। ये अलग ही अलग ड्रोन गिर गया नीचे भाई, ड्रोन गिर गया नीचे। तुम करो कितना ज्यादा चपत लगा, 1 लाख का। तो भाइयों यहाँ पर जैसे कि आप देख पाए नहीं, हम दिखा नहीं पाए, वो ड्रोन गिर चुका है ठीक है। भाई को 1.5 लाख रुपए की चपत लग चुकी है और यहाँ हमारा ड्रोन भी चल रहा है, हमें डर लग रहा है इसको देख देख के। नहीं नहीं पर हमारा ड्रोन तो ये चल रहा है और वो लोग ना थोड़ा सा मैं फैन फॉलोइंग दिखाती भाई की, ये देखो उधर भी है थोड़ा सा, और कपल देखिए इधर इधर भी है, और हमारा कपल शूट, एक मिनट है मैं दिखाती हूँ आपको, मतलब हमारा वो कपल शूट था, दिखाती हूँ। ये भैया भागे 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 और ये लोग भी भागे, हमारी भी फोटो खींचोगे, कितने पैसे लगेंगे भाई बताइयो? 50 रुपए पर फोटो, बस 50? चल हम थारे को 500 रुपए देंगे, महंगा बैटरी। तो गाइज ये देखो भाई मैं बाल कटा के आया हूँ। अरे रे 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 रे। तो गाइज अब हमारा माइंस का शूट भी हो गया है ख़त्म और हम यहाँ से कर रहे हैं पैकअप। तो गिरी तेरा पैकअप ये देखो, बेचारा लदा पड़ा, मैं भी लदी पड़ी, जिसमें मेरे बैग पीछे दिख नहीं रहा ना, टंगा हुआ है। और ये देखने वो वाशियाँ ले रही हैं बेटा, कैसे लग रहा है आपको? बहुत थक चुकी है। कितना थक चुकी है बेटा, अभी एक और जगह जाना है, जेंडर करना पड़ेगा। कहाँ जाना है? पहले वाले क्लाउडेड। हाँ तो फिर इसे तो नींद आ रही यार, बहुत सही में नींद आ रही है। हम चलते हैं ना, भाई जी चाबी देना गाड़ी की, चाबी किस पे? अरे सुच पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे है चाबी, किसके पास है?